जीरो पॉइंट मुल्क के ताज़ा तरीन सियासी वाक़यात किस्त नंबर 3। कालम शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली दो किस्तें नहीं सुनी तो वो लाजमी सुन लें ताकि आपको स्टोरी के बारे में मजीद मालूमात हासिल हो जाए। जनरल कमर जवेद बाजवा की तैनाती से पहले मुल्क में दो अहम वाकयात हुए। 3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स आए और इनमें नवाज शरीफ फैमिली की गैर मुल्की कंपनियां और जायदादें निकल आईं। इमरान खान के हाथ एक और कार्ड आ गया और उन्होंने नवाज शरीफ को चोर साबित करना शुरू कर दिया। दूसरा वाकया डॉन लीक्स था। यह खबर 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से शाया हुई थी और एस्टेब्लिशमेंट ने इसे सिक्योरिटी ब्रिज करार दे दिया। तहकीकाती कमेटी बनी और मियाँ नवाज शरीफ ने परवेज रशीद और तारिक फातमी के कलमदान वापस ले लिए। ताहम हुकूमत ने दावा करना शुरू कर दिया कि दोनों इशू जानबूझ के बनाए गए हैं। जनरल राहिल शरीफ रिटायरमेंट के बाद 29 नवंबर 2016 को जनरल कमर जवेद बाजवा ने फौज की कमान संभाल ली। इन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ का था। ताहम इसमें इसहाक डार और चौधरी निसार का भी अहम किरदार था, मगर फैसला बहरहाल मियाँ साहब ने किया और इसकी वजह सिर्फ एक थी। मियाँ साहब जानते थे जनरल बाजवा जमहूरियत पसंद है, ये किसी भी हाल में जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। बहरहाल जनरल कमर जवेद बाजवा आए और इन्हें विरसे में पनामा केस और डॉन लीक्स मिल गयी। डॉन लीक्स हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बिला वजह नजा का बाइस बनी थी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, हुकूमत जिम्मेदारों को फारिग कर देगी और यूँ ये इशू खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने 29 अप्रैल 2017 को इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी और तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम ऑफिस से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उधर नोटिफिकेशन रिजेक्ट की ट्वीट आ गई। हुकूमत इस ट्वीट के बाद कमजोर हो गई। वजीर आजम का चंद दिन बाद चीन का दौरा था। एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी यूं अफहम तफहीम से डॉन लीक्स का मामला निपट गया। 10 मई 2017 को ट्वीट वापस हो गई, हुकूमत मजबूत हो गई, लेकिन रिटायर्ड आर्मी अफीसर्स ने आर्मी चीफ पर तनकीद शुरू कर दी। नून लीग ने भी शेर जिंदाबाद का बयानिया शुरू कर दिया। ये बयानिया मरियम नवाज के मीडिया सेल का कारनामा था। ये उन लोगों की बड़ी सियासी गलती थी। ये लोग अगर खामोश हो जाते, फतह के शादियाने ना बजाते तो मामला आगे ना बढ़ता, लेकिन इनकी गैर संजीदा हरकत ने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान दरार में इजाफा कर दिया और ये बढ़ती चली गई। जनरल बाजवा खुले दिल से ये तस्लीम करते हैं, मियां नवाज शरीफ इनके साथ हमेशा इज्जत से पेश आए, उनके उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पनामा पेपर्स में फौज का कोई अमल दखल नहीं था, ये इंटरनेशनल लीक्स थी। ये हुई और इमरान खान ने कैच पकड़ लिया। वजीर आजम हाउस की एक मीटिंग में जनरल बाजवा ने मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया, आप ये मामला अदालत में ना लेके जाएं, इसे पार्लियामेंट में ही हल कर लें। ये इशू अगर अदालत चला गया तो कोई और इदारा और शख्स आपकी मदद नहीं कर सकेगा। वजीर आजम का जवाब था, मेरे बच्चे पुरएतमाद हैं, इन्हें अदालत जाने दें, अल्लाह करम करेगा। और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई। यूं ये मामला बिगड़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम को तहकीकात में एजेंसियां शामिल ना करने का मशवरा दिया गया। इसके बाद मामला फैलता चला गया। नवाज शरीफ के करीबी साथी ये तस्लीम करते हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तियार की तैनाती वजीर आजम की ख्वाहिश पे हुई थी। जनरल नवीद मरियम नवाज के संदी चौधरी मुनीर के रिश्तेदार थे और मरियम साहिबा का ख्याल था इनकी वजह से इनकी फैमिली का पनामा केस में रिलीफ मिलेगा। आर्मी चीफ ने जनरल नवीद मुख्तियार की तैनाती के वक्त वजीर आजम से कहा, सर फौज चेन ऑफ कमांड का नाम है, यहाँ कोई एक शख्स अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकता। ये बात ज्यादा वजाहत के साथ 2021 में वजीर आजम इमरान खान को बताई गई थी। ये वाकया कब और क्यों हुआ था ये हम आपको आइंदा किस्तों में बताएंगे। सर्वस्त हम वापस आते हैं। मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से दूसरी पर्सनल रिक्वेस्ट 2017 में की थी। मियां नवाज शरीफ को गिला था मरियम नवाज से GIT के दो अफसरान का रवैया ठीक नहीं है। इसके बाद दोनों अफसरों का रवैया बदल गया और मरियम नवाज ने दोबारा इनकी शिकायत नहीं की। एस्टेब्लिशमेंट के जराये ये भी तस्लीम करते हैं, मियां नवाज शरीफ ने इन दो इशूज के अलावा एस्टेब्लिशमेंट से कभी कोई पर्सनल काम नहीं कहा था। मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक करीबी साथी ये बात तस्लीम करते हैं कि पनामा केस के दौरान मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया था, आप मुस्ताफी हो जाएं और अपनी पार्टी के किसी MNA को वजीर आजम बना दें, ये मामला 1-2 साल में सेटल हो जाएगा, आप दोबारा मुंतखब होकर वजीर आजम बन जाएंगे। ताहम इन्हें डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अगस्त 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाना पड़ा। अगर ये फैसला चंद माह कबल कर लेते तो शायद जेल तक की नौबत ना आती। दूसरी तरफ बाज़ ज़राए ये तस्लीम करते हैं, मियां नवाज शरीफ अगर डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला का बयानिया ना बनाते, ये अगर खामोश बैठ जाते और इनकी पार्टी अपनी हुकूमती मुद्दत पूरी करके इलेक्शन में चली जाती तो शायद इमरान खान वजीर आजम ना बन पाते। ये हकीकत है कि वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला ने एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की तरफ धकेल दिया। 2018
के इलेक्शंस में जहांगीर खान तरीन के जहाज से लेकर लोटा साजी के तमाम हथकंडे इस्तेमाल हुए। इमरान खान को तारीखी सपोर्ट दी गई, लेकिन ये इसके बावजूद इलेक्शन में अक्सरियत हासिल ना कर सके। चनाचा इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए इतिहादियों का बंदोबस्त करना पड़ा और यूं अगस्त 2018 में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ये भी हकीकत है कि आर्मी चीफ जुलाई 2018 से कबल इमरान खान से कभी नहीं मिले थे। ये उनकी वज़ीर-ए-आज़म बनने से चंद दिन कबल एक अफसर के साथ बनी गाला गए और इमरान खान से मुलाकात की। मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगु ज्यादा काबिले फहम ना थी, इनकी ज्यादातर तखलीकाती थी और मुलाकात खत्म हो गई। ये दोनों बनी गाला से रुखसत हो गए। जारी है।